आज के आरोग्य सभा में हम कई प्रकार के महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को लेकर के आए हैं और इन जड़ी बूटियों के बारे में बार बार बताने का मतलब यही है कि हम लोग इसके बारे में विधि पूर्वक जाने समझें और पेड़ पौधे के प्रति प्रेम, उसको कैसे रख रखाव करना है। कहा गया है कि भले हमें कोई बेटा हो या ना हो, लेकिन एक पेड़ यदि लगा देते हैं तो हजार बेटा के बराबर वो सेवा देगा, पूरे गांव का देगा, दुश्मनों को भी देगा। हम अपने दुश्मनों से दूर रहते हैं, लेकिन पेड़ यदि लगा दिए हैं आप, तो आपके दुश्मन भी उसका सांस ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो पेड़ देखिए कितना ईश्वरीय भाव में जी रहा है कि गांव में पीपल का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, बरगद का पेड़, पाकड़ का पेड़, ये बड़े वृक्ष को हमें लगाना है और अपने वृक्ष के माध्यम से दूषित वायुमंडल को शुद्ध करना है। और जब दूषित वायुमंडल शुद्ध होगा तो उस वायुमंडल से जो हम हवा को ग्रहण करते हैं, वायु को, उसी से हम जिंदा रहते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्र आदि के साथ करेंगे। सांस भरिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। ओम। आप सभी देवी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिस बागीचे में बैठे हैं, जिस पेड़ के हम नीचे बैठे हैं, इस पेड़ को कोई महापुरुष नहीं लगाया होगा। जो पेड़ लगाता है वह महापुरुष होता है, वह ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी होता है। नहीं तो सबके बस का बात नहीं कि पेड़ लगाएगा वो, कि पेड़ काट देगा वो। अज्ञानी आदमी पेड़ काटते फिर रहा है, पेड़ उखाड़ते चल रहा है, और ज्ञानी आदमी पेड़ लगाते चल रहा है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम एक या एक से बढ़कर जितना आपसे लगे उतना लगाइए। पीपल का जरूर लगाया करिए, पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, और नीम लगाइए वो भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी का भी आप बागीचा लगाया करिए, गमला में 10-20 पौधा तुलसी का अपने आंगन में या छत पे जरूर लगाइए या अपने दालान के पास में। क्या होगा कि 24 घंटा जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तो उस एरिया का पूरा वायुमंडल शुद्ध रहेगा आपका, जो सांस भरिएगा और कभी बीमार नहीं पड़िएगा। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना है और पेड़ लगे हुए पेड़ पौधे की रखवाली करना है। कुछ ऐसे अज्ञानी मिलेंगे आपको आदमी, तो हई पेड़ हमार है कौन, ये तो फल्ला के पेड़ है, आ सांस एकरा गप गप मरब एक मार खींचा था बैठ के नाक से, ये ना बुझे कि तो फल्ला के पेड़ है, सांस काहे के लेता नहीं। ऐसे कभी सोचे हम लोग? पेड़ के बेरा बुझा गए, हम काहे के पानी डाले जाए, पानी नहीं सूख रहा है बेचारा पेड़। आ वही पेड़ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसको मार खींच रहे अनाधुन। देखिए कितना गलत काम करते हैं हम। इसलिए पेड़ को किसी, ये किसी का विरासत नहीं है, पेड़ ईश्वरीय चीज है, प्रकृति है, और प्रकृति के साथ हमें सबको जुड़ के रहना चाहिए। तो पेड़ पौधा सबको लगाना है और लगे हुए पेड़ पौधों की रखवाली करना, ये हमारा फर्ज और दायित्व है। तभी जा कर के हम गाँव में भी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन को हम आरोग्य के साथ जी सकते हैं। तो आइए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। ओम।